बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी ड्राबैक साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बहुत बनती है। अब जैम को तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे ना कि बच्चे के, अगर ये आपको पसंद आए आप बनाइएगा ज़रूर। मेरे पास आधा किलो स्ट्रॉबेरी है। एक पाव स्ट्रॉबेरी को मैंने काट लिया है छुरी से छोटा छोटा, और एक को मैं ब्लेंड करूंगी ब्लेंडर में डाल के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जी। तो ये जो मेरे पास साबुत स्ट्रॉबेरी है, मैं इसको मिक्सी में डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। सबसे पहले हमें फ्राई पैन में 2 से 3 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए होगा। अब ऑयल डाला, साथ ही हम इसमें, हमने इसको ब्लेंड किया था वो डाल देंगे इसमें। आग जो है वो हमारी बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए। और साथ ही मैं इसमें जो मेरे पास साबुत मैंने काट के रखी थी स्ट्रॉबेरी, मैं इसको ये इसमें ऐड डाल दूंगी। इसमें मैं अब 2 से 3 टेबल स्पून जो मैंने, मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। ये इतनी सी गुड़ की जो डली है वो जाएगी इसमें। गुड़ की मुतबादल आप चीनी भी डाल सकते हैं। साथ साथ आप इसको हिलाते जाएं। बहुत ही मज़े की बनती है चटनी, आप बनाकर देखें, बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। आप जैम को तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी सौंफ, जो कि 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल दूंगी। ये 2 अदद छोटी इलायची हैं, सब्ज़ इलायची जिसको मैंने तोड़ दी है, अब इसको डालेंगे अंदर। आग जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए ताकि ये इसको आस्ता आस्ता पके, और ये जो स्ट्रॉबेरी इस तरह से हमने काटी थी ये गल भी जाए, और जो गुड़ है ये भी हल हो जाए, और जो सौंफ वगैरह हमने डाली है वो भी इसमें पके। ये धनिया पाउडर है, इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून के बराबर जाएगी। आप इसको अपने स्पाइसेस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पिसा हुआ 1/4 टीस्पून के बराबर। और ये सुरख मिर्च है, इसमें आप चाहें तो इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। मैं वो नहीं डाली जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली हूँ, तो मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर ली है। और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। ये आप बना के फ्रिज में फ्रीज भी कर सकते हैं इसको, चटनी को। अब मैं इसमें डालूंगी जो मेरे पास तिल है, ये आप सफ़ेद ले लें ब्लैक, ये मेरे पास मिक्स तिल है, ये 1 टेबल स्पून है, मैं इसमें ये वो भी डाल दूंगी। ये इसको बनाने में टाइम तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में आपकी इतनी मज़े की चटनी रेडी हो जाती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो ये देखें माशाल्लाह, जिससे चटनी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको ठंडा करके फ्रिज में फिर आप इसको यूज़ करें। आप इसको किसी जार में डाल के रख लें, या फिर किसी प्याले में, डब्बे में, किसी भी चीज़ में आप इसको सेव कर लें। आपकी ये चटनी बनाई हुई 1 हफ्ता तकरीबन या फिर 10 दिन तक बहुत आसानी से चल सकती है। ये बिल्कुल रेडी है। मैं अब चूल्हा इस बंद कर दूंगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।